हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया और आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रिया लीगल। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थेरीज ऑफ रिकॉग्निशन। ये टॉपिक आता है हमारे इंटरनेशनल लॉ से, जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थेरीज ऑफ रिकॉग्निशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्निशन। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी थेरीज ऑफ रिकॉग्निशन एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्निशन। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ थेरीज ऑफ रिकॉग्निशन। फर्स्ट वन इज कंस्टिट्यूटिव थेरी, सेकेंड वन इज डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थेरी, एंड थर्ड वन इज मॉडिफाइड कंस्टिट्यूटिव थेरी। फर्स्ट और थर्ड थेरी में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा। थर्ड वन इज मॉडिफाइड बट इट इज अ कंस्टिट्यूटिव थेरी इटसेल्फ। तो हम देखते हैं बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है और एग्जाम में इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज सपोर्टर कौन है, इन थेरीज का सपोर्टर कौन है और ये थेरीज कहती क्या है, ये दो चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंस्टिट्यूटिव थेरी। कंस्टिट्यूटिव थेरी के कौन सपोर्टर है, हेगल, एंजिलोटी एंड ओपनहीम। ये तीन सपोर्टर्स है कंस्टिट्यूटिव थेरी के। और थेरी क्या कहती है, एन एंटिटी बिकेम स्टेट व्हेन अदर स्टेट रिकॉग्नाइज इट, नॉट व्हेन इट पजेसेस इसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टेटहुड। इस थेरी का एक कीवर्ड आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज रिकॉग्निशन। ये रिकॉग्निशन में डील करती है, ये कीवर्ड है। और ये थेरी का सिंपली क्या कहना है, अगर कोई भी एंटिटी स्टेटहुड की जितनी भी इसेंशियल कंडीशंस है वो अगर फुलफिल कर भी लेती है तो भी उसे स्टेट नहीं माना जाएगा अनलेस एंड अंटिल बाकी स्टेट्स मिलके उसे रिकॉग्नाइज जब तक नहीं करते। जब बाकी सब स्टेट्स मिलके उसे रिकॉग्नाइज करेंगे तभी उसे स्टेट माना जाएगा। मॉडिफाइड कंस्टिट्यूटिव थ्योरी के सपोर्टर है केल्सन। और केल्सन क्या कहते हैं, नेचुरल स्टेटहुड एग्जिस्ट इन अ स्टेट एज सून एज इट अटेन्स इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेटहुड, बट जुडिशियल स्टेटहुड ओनली एग्जिस्ट इन अ स्टेट आफ्टर रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट। मतलब अगर कोई एंटिटी जितनी भी इसेंशियल कंडीशंस है एक स्टेट बनने की वो अगर फुलफिल कर भी लेती है तो उसे सिर्फ एक नेचुरल स्टेट माना जाएगा, बट इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी उसे स्टेट तभी माना जाएगा जब अदर स्टेट मिलके उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसमें भी रिकॉग्निशन इज द की वर्ड। यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या देखने मिल रहा है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा टर्म एक्सप्लेन किया, दैट इज नेचुरल स्टेटहुड जो कंस्टिट्यूटिव थ्योरी में नहीं है, एंड हिंस इट इज कॉल्ड एज अ मॉडिफाइड कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। एंड थर्ड वन इज डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी। इसके सपोर्टर है हॉल, वैगनर, ब्रेयरली एंड फिशर। ये थ्योरी क्या कहती है, स्टेट एग्जिस्ट प्रायर टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अ रिकॉग्निशन, इट इज जस्ट अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट। मतलब इट इज कंप्लीटली कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द कंस्टिट्यूटिव थ्योरी एंड मॉडिफाइड कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। ये रिकॉग्निशन पे बिलीव नहीं करती है, ये थ्योरी कहती है कि अगर कोई स्टेट एक इसेंशियल जितनी भी कंडीशंस दी है स्टेटहुड की वो फुलफिल कर लेता है तो उसे स्टेट माना जाएगा इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी एज वेल, उसे रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। रिकॉग्निशन इज जस्ट अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट। और इसके सपोर्टर है हॉल, वैगनार, ब्रेयरली एंड फिशर। मैं भी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी जो हमारे लास्ट ईयर से है, लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इट इज द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन अलोन विच कंस्टिट्यूट स्टेटहुड। जैसे मैंने आपको बताया था कीवर्ड है रिकॉग्निशन, जहां रिकॉग्निशन आता है वहां पे कंस्टिट्यूटिव थ्योरी आती है या मॉडिफाइड कंस्टिट्यूटिव थ्योरी आती है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्निशन। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज प्रिया लीगल। थैंक यू।